अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमा व अबीहा व बअलहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ़। करबला, दिलों की धड़कन, हमारा ईमान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से लगाव, हमदर्दी, मोहब्बत, इश्क, मवद्दत को अदा करने का मरकज़ है। करबला मोहल्ला में आप सब के लिए दुआ गो हूँ। खुदावंद मुताल जल्द आपको करबला मोहल्ला में लाए और आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हुजूर यहाँ पर पाकीज़गी, तहारत और अपने दीन की तक़वियत से मुज़य्यन हो सकें। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 13 मार्च है और 2023 ईसवी है और 20 शाबानुल मुअज़्ज़म 1444 हिजरी है। पीर का दिन है। दो पीरों यानी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन होता है। आज के दिन हम दो मासूमैन करीमैन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे और उन्हीं के साये करम में हमने सांस लिया और वक्त को गुजारा। शुक्र अदा करना चाहिए हर खूबी का, हर खैर का अल्लाह के हुजूर जब वो अता फरमाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने जोल घड़ियाँ आपकी बिता दी और आपको सुकून रहा। शुक्र अदा करना चाहिए और अगर बुरी गुजरी घड़ियाँ तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इन बुरी घड़ियों को टाल दे और अच्छी घड़ियाँ आपको नसीब फरमाए। आज हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1112 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। खुदावंद मुताल का शुक्र करते हैं इस नेमत उज़्मा पर कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए चंद और लहजे इनायत फरमाए। और वैसे तो अल्लाह का शुक्र करते ही रहना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला की और ऐसी नेमतें हैं कि जिनको इंसान महसूस भी नहीं कर सकता, लेकिन महसूस करने वाली जो बहुत बड़ी नेमत है वो ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम है। इसके लिए ज़िक्र हर घड़ी, हर पलक, हर लहजा करते रहना चाहिए। तुम्हें खबर भी है जो मर्तबा हुसैन का है, तुम्हें खबर भी है जो मर्तबा हुसैन का है, फुरात छीनने वालों खुदा हुसैन का है। तुम्हें खबर भी है जो मर्तबा हुसैन का है, फुरात छीनने वालों खुदा हुसैन का है। कोई सदा नहीं रोता बिछड़ने वालों को, कोई सदा नहीं रोता बिछड़ने वालों को, सबाते फर्श अजा मौजज़ा हुसैन का है। अजल से ताबे अबद नूर के निशान दो हैं, अजल से ताबे अबद नूर के निशान दो हैं। एक आफताब का है, एक नक्शे पा हुसैन का है। जहां भी जिक्र हो अश्कों के गुल बरसते हैं, जहां भी जिक्र हो अश्कों के गुल बरसते हैं। ये एहतराम नबी का है या हुसैन का है। जरा सा गौर से देखो शफक की सुर्खी को, जरा सा गौर से देखो शफक की सुर्खी को। फलक पे खून से रकम सानेहा हुसैन का है। मेरे लबों को भला खौफ तिश्नगी क्यों हो, मेरे लबों को भला खौफ तिश्नगी क्यों हो। मेरे लबों पे तो नारा ही या हुसैन का है। सितारा-ए सहर जिसको लोग कहते हैं, सितारा-ए सहरी जिसको लोग कहते हैं, सितारा-ए सहरी जिसको लोग कहते हैं। फराज़-ए अर्श पे रोशन दिया हुसैन का है। फराज़-ए अर्श पे रोशन दिया हुसैन का है। अल्लाह तबारक व ताला हमसे नेकी की तलब रखता है। आप नोट कीजिएगा, इंसान नेकी करके खुश होता है। जब कभी नेकी करे दिल में सुकून आता है, चाहे उसमें उसका ज़रर ही क्यों ना हो रहा हो। नेकी करके इंसान खुश होता है और इंसान मादी ज़रर को उखरवी फ़ज़ाइल फ़वाइद और जो करामात और नेमात उसे नसीब होंगी उस पर फ़ौक़ियत देता है। ये सलीम तबाह होने की निशानी है। इसी वजह से इंसान जब करबला आता है अपना माल खर्च करता है, वक्त खर्च करता है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ मुश्किलात परेशानियाँ तहमुल करता है। ज़ाहिरी बात है परदेस गुर्बत है। गुर्बत पैसों का ना होना नहीं है, कमाएगी का नाम गुर्बत नहीं है। गुर्बत अपने वतन से दूर होना है। ये अलग बात है कि इंसान का वतन वहाँ है जहाँ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, क्योंकि इंसान का दिल जहाँ पर मुतमईन होता हो, जहाँ पर दिल लगता हो, जहाँ पर दिल को शादमानी हासिल होती हो, वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कुर्ब है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर हम सब का वतन है, हम सब का वतन है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने हम सब को ये नेमत अता फरमाई कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से अपने आप को हम मरबूत रखें, और ये मरबूत रखना हम सब का अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से अल्लाह तबारक व ताला की वो बड़ी नेमत है कि जिसका शुक्र अनथक है, नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, बात चल रही थी हमारी इस बात की कि जहाँ पर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम रहते हैं वो हमारा वतन है। इसके लिए एक दलील दूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर में आकर अगर आप एक दिन के लिए भी आए हों, पहली मरतबा ही आए हों, आप सफ़र पेशा शख्स ना भी हों, तो आपकी नमाज कामिल होती है। क्यों, किस लिए, क्या सबब है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मेरा दिल यही कहता है क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो हमारा राबता है वो हमारे दिल, जान, जिस्म, घर, रूह, बदन, मवद्दत, इश्क का नाता है। इसी वजह से जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं वहाँ पर हमारी नमाज कामिल है। और कहेंगे कि फ़कत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में भी हमारी नमाज कामिल है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाई घर मक्का में भी, वहाँ पे भी हमारी नमाज मस्जिदुल हराम में कामिल है। और रही बात आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम की, तो वहाँ पर भी कुछ उलमा के मुताबिक, जिसमें सब मुत्तफिक ना सही लेकिन कुछ उलमा के नज़दीक जहाँ पर मासूम का रोज़ा है वहाँ पर नमाज कामिल है। उस रोज़े के अंदर नमाज कामिल है क्योंकि मौला का घर वो हमारे माँ बाप हैं। बहरहाल आगे फ़िक़ही बहस के अंदर तो उलमा ही फ़ैसला करेंगे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे मौला हैं, हमारे मलजाओ मावा हैं। ज़ियारतें हम करते रहते हैं और ज़ियारत करनी भी चाहिए। ज़ियारत ना करें तो हमारी जिस्म, रूह व जान तड़प जाती है। और रूह ने जिसने अलस के दिन लब्बैक कहा है वो यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ मायल रहता है और वो ज़ियारत करने आता रहेगा। अब रिवायत चल रही है मंजारहु अलैहिस्सलाम माशियन, जिस शख्स ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पैदल ज़ियारत की। अनिल इमाम सादिक अलैहिस्सलाम क़ाल, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नर रजुला ला यखरुजु इला क़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम फलहु इज़ा खरजा मिन अहलिही बिअव्वल ख़ुतवतिन मग़फ़िरता ज़ुनूबिही थुम्मा लम यज़िल युक़द्दस बिकुल्ल ख़ुतवतिन हत्ता यातीह फ़इज़ा अताहु नजाहुल्लाहु तआला अब्दी सलनी आतिक उदउनी अजिब का उतलुब मिन्नी आतिक सलनी हाजतन अक़ज़िहा लक क़ाल वक़ाल अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम हक़्क़ुन अलल्लाहि अन युतिया मा बज़ल। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई शख्स खारिज होता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत के लिए, बस उसके लिए जब वो खारिज होता है अपने घर वालों से पहले कदम के बदले उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और इसके बाद वो बितरतीब लगातार सिलसिलावार पै दर पै लम यज़ल यानी युक़द्दस बिकुल्ल ख़ुतवतिन हत्ता याती वो पाकीज़ा तर होता चला जाता है, यहाँ तक कि मासूम अलैहिस्सलाम के पास आ जाता है। अब देखिए निस्बत कैसी है, वो पाकीज़ा होता चला जाता है यहाँ तक कि मासूम के पास आ जाता है, यानी पाकीज़गी की इंतहा मासूम अलैहिस्सलाम का कुर्ब है। फिर आगे बयान फरमाया कि हफ़ाइदा आता हो नाजाहुल्लाहु ताला, जब वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आता है तो फरिश्ते पुकार, अल्लाह तबारक व तआला उससे मुनाजात करता है, पुकारता है, उसे फरमाता है फ़क़ाल, और फरमाता है अब्दी, ऐ मेरे बंदे। अब्द होना बहुत बड़ा रुतबा है। मासूम अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम अब्द के कलमे को बड़े पसंद फरमाया करते थे। इसी वजह से इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने आप को अब्द कहकर पुकारा, अना अब्द मिन अबीद मोहम्मद। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब हम गवाही देते हैं तशहुद में तो हम क्या कहते हैं, अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, यानी रिसालत से पहले है अब्दियत, रिसालत से भी बढ़कर अब्दियत को मासूम अलैहिस्सलाम ने शुमार फरमाया। ये अलग बात है कि मासूम की अब्दियत और मासूम पर यकीन हासिल करके ईमानदार होने वाले की अब्दियत में कितना फ़र्क है। बहरहाल अब्दियत अहले बैत अलैहिस्सलाम की हो या अल्लाह तबारक व तआला की हो, हकीकत में अल्लाह की निस्बत से अहले बैत अलैहिस्सलाम अल्लाह की के लिए हैं और अल्लाह की तरफ से हैं, लिहाजा उनकी अब्दियत भी अल्लाह की अब्दियत शुमार की जाएगी। लिहाजा अब्दी, ऐ मेरे बंदे, कहा कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़ाहिर हो जाता है वो इतना पाकीज़ा हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे अब्द कहकर पुकारते हैं, अब्दी सलनी आतिक, ऐ मेरे बंदे मुझसे सवाल कर मैं अता करूँगा। तेरा रुतबा बढ़ गया है, तू कुर्बे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आ गया है। उदउनी अजीब का, मुझसे दुआ कर मैं तुझे जवाब दूंगा। उतलब मिन्नी आतिक, मुझसे तलब कर मैं तुझे अता करूंगा। सलनी हाजतन अक़दी हालक, मुझसे सवाल कर अपनी हाजतों का, मैं तेरी हाजतें कज़ा करूंगा, पूरी करूंगा। काल, और फरमाया मासूम अलैहिस्सलाम ने वक़ाल अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, और मासूम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया व हक़्क़ुन अलल्लाहि अन युतिया मा बज़ल, अल्लाह ताला पर उसका हक वाजिब है कि जो उसने खर्च किया है अल्लाह ताला उसे अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कर्ज, एक तो सवाब बढ़ गया, रुतबा बढ़ गया, मकाम बढ़ गया, नजात मिल गई, गुनाह माफ़ हो गए, खर्च जो किए वो भी मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। और इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन हिलाल से रिवायत है, फरमाते हैं अन अबी अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से कहते हैं वक़ाल, मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ुल्तु लहू, मैंने मासूम अलैहिस्सलाम से फरमाया जो जुइल्तु फ़िदा का, रावी कहते हैं मैंने मासूम अलैहिस्सलाम से कहा जुइल्तु फ़िदा का, मैं आप पर फ़िदा हो जाऊँ। मा अदना मा लिज़ाहिर क़ब्रुल हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कम से कम क्या चीज़ होती है। फ़क़ाल अली, मासूम अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए फरमाया या अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्ला बिन हिलाल, इन अदना मा यकून लहू, कम से कम जो चीज़ होती है ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अन यहफ़ज़हू फ़ी नफ़्ज़िही, वो उसकी जान की हिफाजत कर दी जाती है, व अहलहू, और उसके घर वालों की भी हिफाजत करती जाती है, हत्ता यरुद्दाहू, यहाँ तक के वो उनके पास लौट कर चला जाए, इला अहलही, फ़ाइदा काना यौमल क़यामते, और जब क़यामत का दिन होगा, कानल्लाहुल हाफ़िज़ु लहू, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत करने वाला होगा, जो ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होगा। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह उसकी हिफाजत करने वाला हो जाएगा। और ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करामत क्या है, अब्दुल्ला तहान से रिवायत है, अन अबी अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, ये रिवायत करते हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, क़ाला, कहती हैं समय तो हुआ हुआ यक़ूल, मैंने सुना मासूम अलैहिस्सलाम को वो फरमा रहे थे, फरमाते हैं मा मिन अहदिन यौमल क़यामत इल्ला वहुवा यतमन्ना अन्नहु मिन ज़ुव्वारिल हुसैन, जो कोई भी हो, जैसा कोई भी हो, कहा कि क़यामत के दिन क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए वो अताएँ करेगा कि हर देखने वाला कहेगा काश में ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होता। क्यों, किस लिए? लिमा यरा लम्मा यरा मिम्मा युस्ना बिज़ुवारिल हुसैन अलैहिस्सलाम, जब वो चीज़ें वो देखेगा जो के की जा रही होंगी ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। मिन करामतिहिम अल्लाह, उनकी तकरीम, मकाम, रुतबा बंदी, उनको इज्जत व जाहो वकार देने की सूरत में अल्लाह ताला जो कर रहा होगा, हर शख्स कहेगा काश कुछ किया होता ना होता, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़रूर कर ली होती। इसी तरीके से ज़ियारत के मौजू पर एक और अगली हदीस जो है उसमें लिखा हुआ है, मन सर्रहु अन यकूना अला मवाइदिन नूर यौमल क़ियामत फलयकुन मिन ज़ुवारिल हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम। जो चाहता है, जिसे पसंद है, जिसको ये बात खुश करती है कि वो कयामत के दिन नूर के दस्तरखानों पर बैठे, क्या करे? फलयकुन, बस वो हो जाए। लाजिम है उसके ऊपर, वाजिब है उसके ऊपर, क्या हो जाए? मिन ज़ुवारिल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, उसके ऊपर लाजिम है कि वो ज़ाहिर इमाम हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम हो जाए। फिर मासूम अलैहिस्सलाम से अगली रिवायत है, फरमाते हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अन अभी है, अपने बाबा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से काल, मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं काल अबू अब्दुल्लाह जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, यानी उन्होंने अपने बाबा से, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा से रिवायत की इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से, और वो फरमाते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना अय्याम ज़ायरिल हुसैन अलैहिस्सलाम ला तुहसब मिन अमारिहिम वला तुअद्दु मिन आजालिहिम। जो शख्स ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने के लिए आए उसे ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहा जाता है। कहा कि जो ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होता है उसके ये जो वक्त गुजरता है, वक्त गुजरता है, इसका होता क्या है? ला तो सब बिन आमारहिम, ये उनकी उम्रों में शुमार नहीं होता। वला तो अद्दो बिन आजालहिम, और ये उनकी मौत में शुमार नहीं होता। उनके लिए वक्त मुअय्यना, यानी मौत के आने के वक्त और ज़िंदगी के वक्त में जो फासला है उसमें ये शुमार नहीं होता, बल्कि ये इजाफी तौर पे हो जाता है। अल्लाह अकबर। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर में मौला के कुर्ब में मौला के जवार से फैज़याब होते हैं, और ये फैज़याब होना उनकी अता के सबब से है। किस्मत संवारने का सभी गुर सिखाएंगे, किस्मत संवारने के सभी गुर सिखाएंगे, शब्बीर का मिजाज तुम्हें हुर बताएंगे। किस्मत संवारने के सभी गुर सिखाएंगे, शब्बीर का मिजाज तुम्हें हुर बताएंगे। फर्शे अज़ा की खाक लगा लो जगबीन पर, फर्शे अज़ा की खाक लगा लो जबीन पर, इन कंकरों को शाहे नजफ दूर बताएंगे। फर्शे अज़ा की खाक लगा लो जबीन पर, इन कंकरों को शाहे नजफ दूर बनाएंगे। बेदार होगी तेग़े अली फिर नियाम में, बेदार होगी तेग़े अली फिर नियाम में, पहले हुसैन अपने बहादुर सुलाएंगे। दो खुश्क होंठ एक तबस्सुम के नूर से, दो खुश्क होंठ एक तबस्सुम के नूर से, करबो बला में तूरे तहय्युर सजाएंगे। देखाए हैं हुसैन के खैमे में जौन को, देखाए हैं हुसैन के खैमे में जौन को, यूसुफ भी आज यौम तशक्कुर मनाएंगे, यूसुफ भी आज यौम तशक्कुर मनाएंगे। माजी के दाग धोने की खातिर तुम्हारे पास, माजी के दाग धोने की खातिर तुम्हारे पास, आका हुर ऐसे लोग तवातुर से आएंगे, आका हुर ऐसे लोग तवातुर से आएंगे। जब तक दिखाई देता है गाजी हुसैन को, जब तक दिखाई देता है गाजी हुसैन को, चेहरे पे बेबसी का तासुर न लाएंगे, चेहरे पे बेबसी का तासुर न लाएंगे, दो जानू खुद को पाएंगे शह की जनाब में, दो जानू खुद को पाएंगे शह की जनाब में। जब दिल में आप शम्ए तसव्वुर जलाएंगे, जब दिल में आप शम्ए तसव्वुर जलाएंगे। अहले बैत अल्लाह की अता, अल्लाह का नूर, और अहले बैत अलैहिस्सलाम अल्लाह की मोमिनीन पर रहमत की दलील है। अल्लाह जब रहमत करना चाहता है तो नेमत नादिल करता है। कायनात में अहले बैत अलैहिस्सलाम में बढ़ के कोई नेमत नादिल नहीं हुई है। अब अगली रिवायत जो है अन अबी खालिद ज़ी शामा, अबू खालिद जो कि ज़ी शामा है उनसे रिवायत है। काल फरमाते हैं, काला हद्दसनी अबू सामा, कहते हैं कि मुझे अबू सामा ने कहा। काल कहते हैं समय तो अब अब्दुल्लाह हुसैन, अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने सुना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को। ये कूल वो फरमा रहे हैं मन अरादा अन यकूना फी जवार नबीही, जिसने इरादा किया हो कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवार में रहे, वह जवार अली और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जवार में रहे, व फातिमा और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के जवार में रहे। फला यदा ज़ियारत हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम, बस उसके ऊपर लाजिम है कि वह ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तर्क ना करे। तर्क करना किस माने के अंदर है, यानी ऐसा ना हो कि कभी उसने ज़ियारत ही ना की हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हर हाल में करते रहना चाहिए। अच्छा, अब ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नत में जाने की सुरअत में बात हो रही है। यहाँ पे मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अन अब्दुल्लाह बिन जुरारा, अब्दुल्लाह बिन जुरारा से है, फरमाते हैं, कहते हैं काल, कहते हैं मैं कहा समय तो अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने सुना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को। यकूल वो फरमाते हैं इन्ना लजुवारिल हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम, बताकीक ज़ाहिर इमाम हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम के लिए यौमल क़यामत, क़यामत के दिन फजलन अलन नास, लोगों के ऊपर फजीलत होगी। कुल तो मैंने कहा वमा फजलहुम, वो क्या फजल होगा उसका लोगों के ऊपर। काला यदखुलून अल जन्नता, दाखिल हो जाएंगे जन्नत में, क़ब्ल नास, लोगों से पहले, बेअरबईन आमन, 40 साल पहले वो और लोगों से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। वो सायरुन नास फिल हिसाब वल मौक़िफ़, और जबकि और लोग हिसाब किताब में फंसे हुए होंगे और वो खड़े हुए होंगे इंतज़ार में कि कब हमारी बारी हिसाब किताब की आएगी। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 40 साल पहले जन्नत में भी जा चुका होगा। सुबहान अल्लाह। अब ये वो वाली रिवायत पढ़ रहा हूँ जिसको बहुत आपने सुना है और इसके ऊपर अशरे पढ़े गए हैं। मंजार अल हुसैन अलैहिस्सलाम अन ज़ैद शहाम, ज़ैद शहाम से रिवायत है। काल कहते हैं कुल तो ले अभी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने कहा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से माल मंजार कब्र अल हुसैन अलैहिस्सलाम, क्या है उस शख्स के लिए जिसने कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। काल फरमाया काना कमनजार अल्लाह फी अर्श, ऐसे है गोया कि उसने अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत कर दी हो। मासूमीन अलैहिस्सलाम मजाद गोई नहीं करते, मासूमीन अलैहिस्सलाम हक गोई किया करते हैं, और मासूमीन अलैहिस्सलाम के कलाम के अंदर अगर कोई किनाया इशारा पाया जाता है वो भी हक है। मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत अल्लाह की ज़ियारत के बराबर है। क्यों, किस लिए? अल्लाह तबारक व तआला की खातिर उन्होंने अपना जिस्म, जान, रूह, बदन, घर बार फिदा करके रख दिया। लिहाजा अब उनको कोई देखेगा तो वो अल्लाह के हो चुके हैं, अब उनको कोई देखेगा तो अल्लाह की ज़ियारत करेगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत करना है, करबला में आ जाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर में। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह नहीं है, लेकिन उनकी ज़ियारत अल्लाह की ज़ियारत है। ये अजीब तशबीहात हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अपने साथ मंसूब की हैं, जिनका सोचा जा सकता है, लेकिन उसके तमक्कुन है, हकीकत तक पहुंचना हर बंदे के बस का रोग नहीं है। लिहाजा इंसान को कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन नतीजा अहले बैत अलैहिस्सलाम के हाथ में है और वो इंसान को वही कुछ मिलता है जितना उसका इखलास होता है। इखलास एक बहुत बड़ी नेमत है, इसको तलब करने के लिए अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है, इसके लिए दूसरों की भलाई करनी पड़ती है, अपना नुकसान करना पड़ता है, अपना जिस्म जान को खर्च करना पड़ता है। इखलास सब हासिल होता है। अच्छी बात कहें जब कहें, अच्छी गुफ्तगू करें, वरना खामोशी बेहतर है। कोशिश करें कि अपनी इज़्ज़त भी बचाएं, दूसरों की भी इज़्ज़त ख़राब ना करें। अपनी भी इज़्ज़त बचाएं, दूसरों को भी ज़लील और रुस्वा ना करें। अपनी इज़्ज़त बचाएं, दूसरों को भी दागदार अपनी ज़बान से भी ना करें, अपने फ़िक्र से भी ना करें, अपने अमल से भी ना करें। लोगों की इज़्ज़त का ख्याल करें, अपनी इज़्ज़त और मोमिन की इज़्ज़त का तो ख़ुसूसी तौर पर ख्याल करना चाहिए। और हुर्मतुल मोमिन अफ़ज़लु मिन हुर्मतिल काबा, मोमिन की हुर्मत जो है काबा की हुर्मत से भी बढ़कर है, क्योंकि काबा वो है जिसके अंदर मासूम अलैहिस्सलाम चंद घड़ियों चंद दिनों के लिए रहे, और मोमिन का दिल वो है जिसके अंदर मासूम अलैहिस्सलाम हर वक्त रहते हैं। लिहाजा मोमिन की हुर्मत काबे की हुर्मत से बढ़कर हो जाती है। प्रोग्राम चलते रहेंगे, होते रहेंगे। अब अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर क्या कबूल है और अहले बैत अलैहिस्सलाम हमसे क्या चाहते हैं, वो समझने के लिए हमें कोशिश करते रहने चाहिए। इखलास हो तो मासूम बुलाते हैं अपनी तरफ, इखलास हो तो मौला अपनी तरफ बुलाते हैं। जिस तरीके से ख़त करबला से कूफे में जाने की देर थी, ख़त करबला से कूफे में जाने की देर थी, वो देर जो हबीब के आने की देर थी। ख़त करबला से कूफे में जाने की देर थी, वो देर जो हबीब के आने की देर थी। ये सारी कायनात उजाले से भर गई, ये सारी कायनात उजाले से भर गई। शह के दिया बुझा के जलाने की देर थी। मैं आज भी गुलाम हूँ शह के गुलाम का, मैं आज भी गुलाम हूँ शह के गुलाम का। बस हुर में और मुझ में जमाने की देर थी। ऐसा लगा कि हम भी सफ़े करबला में हैं, ऐसा लगा कि हम भी सफ़े करबला में हैं। फर्शे अज़ा पे खून बहाने की देर थी। फिर कैसी पहरेदारी कहाँ की सिपाही शाम, फिर कैसी पहरेदारी कहाँ की सिपाही शाम। अब्बास के फुरात पे जाने की देर थी। मातम को हाथ उठने लगे उसके अपने आप, मातम को हाथ उठने लगे उसके अपने आप। बेटे को या हुसैन सिखाने की देर थी। ऐसा लगा खुदा ने मेरे दर्द सुन लिए, ऐसा लगा खुदा ने मेरे दर्द सुन लिए। अकबर अलम पे बात सुनाने की देर थी। कोई गलत पढ़े भी तो हसीन पढ़ता है, कोई गलत भी पढ़े तो हसीन पढ़ता है। कभी बिगड़ नहीं पाया किसी से नाम हुसैन, कभी बिगड़ नहीं पाया किसी से नाम हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर, प्रोग्राम के वक्त की आखिरी घड़ियाँ, और आखिरी घड़ी में अपने प्यारे याद आते हैं, कायनात के प्यारे अहले बैत अलैहिस्सलाम के राज दुलारे हुज्जत खुदा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है। उनका जिक्र, उनकी फ़िक्र, उनकी चाहत ताज़ा रखनी चाहिए, और उसके लिए कम से कम अमल ये है उनके ज़हूर की दुआ करें। आए मिलकर कहें अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज।